हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज फाइंड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स में, इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट और फिर फाइनली चलेंगे एट एनी पॉइंट। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एट एनी पॉइंट, ऐसा ही करना है इसको भी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले फाइंड करते हैं। फर्स्ट नोट करिए, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट जो इक्वेटोरियल लाइन पर होता है, इक्वेटोरियल लाइन जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है डायपोल को, इससे पहले भी किया हमने। तो पहले डायपोल लेके आते हैं। डायपोल है माइनस क्यू चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और एक चार्ज है इसमें प्लस क्यू, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस याद है कितना करते थे, ये सेंटर है, ये ए, तो ये भी ए। ये लाइन जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ से इधर ऊपर भी और यहाँ से नीचे भी, ये यहाँ से नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन है इक्वेटोरियल लाइन, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट वो है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सपोज यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस डायपोल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस, इस चार्ज से यहाँ डिस्टेंस, ये सपोज है एक्स, और ये डिस्टेंस भी सपोज है एक्स, ठीक है। चार्ज से वो पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, दिस डिस्टेंस इज सपोज एक्स, ओके। सो नेट पोटेंशियल एट पी, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, उन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो नेट पोटेंशियल एट पी इट इज इक्वल टू माइनस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे कितना फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, के क्यू चार्ज है नेगेटिव माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस एक्स, प्लस के क्यू चार्ज प्लस है, प्लस ही रहेगा, अपॉन डिस्टेंस एक्स। सो नेट पोटेंशियल दोनों इक्वल है, के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स, नेट पोटेंशियल इज जीरो। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज जीरो। दिस इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो होता है, ठीक है। अब ये ध्यान में रखिए, जो मैंने x लिखा, सपोज यहाँ सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस r है, तो इस x को r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, हाइपोटेनियस स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट सिंपल x भी लिखा, वो भी करेक्ट है। तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे जीरो। इसके बेस पे क्वेश्चन आया सीबीएसई में, क्वेश्चन क्या था देखिए, यहाँ पे आपके पास डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसका ये सेंटर है, एक चार्ज को मूव करना है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ए टू बी 1 माइक्रोकुलम चार्ज को मूव करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन जिस चार्ज को लेकर 10^-6 कूलम्ब, इट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब वी बी यहाँ पे पोटेंशियल कितना है इस डायपोल की वजह से, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है डायपोल की वजह से, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है जीरो, ए पे भी जीरो, वही पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, जीरो जीरो जीरो, तो वर्क डन जीरो, सिंपल था, 1 मार्क में आया था, वर्क डन जीरो। तो ये था इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है जीरो। अब करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे, वैसा ही करना है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, ठीक है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, देखते हैं समझते हैं, ईजी है, क्लियर हो जाएगा। अगेन वी हैव टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इनकी लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो ये, और ये सेंटर हो गया ओ, दिस इज ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस भी ए। एक्सियल लाइन यहाँ एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये एक्सियल लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट एक्सियल पॉइंट पी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस चार्ज की वजह से। तो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं पी पॉइंट की आर, सेम वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आर हो गई। सो नेट पोटेंशियल एट पी इट इज इक्वल टू ड्यू टू माइनस क्यू अगेन एंड ड्यू टू प्लस क्यू, सो नेट पोटेंशियल एट पी माइनस क्यू, इसकी वजह से वहाँ पे कितना फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है ये आर प्लस ए, ड्यू टू प्लस क्यू के क्यू अपॉन डिस्टेंस, इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितनी R से, ये कम कर लो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, सो R माइनस ए, सिंपल ऐड करना है। अच्छी बात ये है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता नहीं है। सो VP इज इक्वल टू के क्यू इज कॉमन, के क्यू इज कॉमन 1/R माइनस ए, इसको मैंने पहले लिख लिया, एंड दिस इज नेगेटिव माइनस 1/R प्लस ए, काफ़ी सिंपल है, फिजिक्स अपने आप में एक ईजी सब्जेक्ट है। सो VP इज इक्वल टू के क्यू LCM R माइनस ए आर प्लस ए, हमने LCM लिया, R प्लस ए इधर आया, माइनस R प्लस ए, ये माइनस था, माइनस R प्लस ए हो गया उधर जाके, आर आर कैंसिल, सो VP इज इक्वल टू आर आर कैंसिल हो गया, ये बचा 2A 2K 2AQ अपॉन
ए प्लस बी ए माइनस बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इंपॉर्टेंट, टू ए क्यू, क्यू इज चार्ज, टू ए इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, चार्ज इन टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वेरी गुड। सो इट विल बी इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो नेट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट इज गिवन बाई के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। इक्वेटोरियल पॉइंट पे तो जीरो होता है, एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला ये है, व्हाट इज के, के इज के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इनटू 10 टू द पावर 9, पी इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एंड ए इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ओके, सपोज हमारे पास सॉल्ट डायपोल है, दिस इज स्पेशल केस, सॉल्ट डायपोल होगा तो उसके लिए कुछ हम इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं देखिए, फॉर सॉल्ट डायपोल मीन्स इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कम है और ये पॉइंट पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट वो बहुत दूर है। सो फॉर सॉल्ट डायपोल आर इज ग्रेटर देन ए, ये पॉइंट बहुत दूर, कहीं दूर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस वो काफ़ी कम है। सो आर इज ग्रेटर देन ए, अगर ऐसा है तो आर स्क्वायर और भी ज़्यादा हो जाएगा, ए स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा। जैसे r है सपोज 100, ये a है 0.1, r बहुत बड़ा है a से, r इज 100, a इज 0.1, सो r स्क्वायर 100 इंटू 100 और a स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1 0.01 और भी कम हो जाएगा। सो फॉर r ग्रेटर देन a, vp इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू kp अपॉन, जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, a स्क्वायर और भी स्मॉल हो गया, इट कैन बी निगलेक्टेड, r स्क्वायर के माइनस a स्क्वायर 10,000 माइनस 0.01 लगभग 10,000, सो के पी अपॉन आर स्क्वायर। फॉर सॉल्ट डायपोल दिस इज द पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट, के पी अपॉन आर स्क्वायर, इनको नोट करिए, इजी है, इक्विटोरियल पॉइंट पे तो जीरो आ गई, यहाँ पे ये आया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉल्ट डायपोल के लिए आर ग्रेटर देन ए, तो ये आ गया। तो ये है पोटेंशियल आपका एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये था इक्वेटोरियल एक्सियल, अब एक जनरल पॉइंट करते हैं एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, और वहां से इन दोनों का फॉर्मूला निकालेंगे। तो ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ओके, अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था ऐसा ही करना है, ठीक है। ये हमारे पास डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ए, ए डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज टू ए, हाफ डिस्टेंस ए, हाफ डिस्टेंस ए। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ना ही ये एक्सियल पॉइंट है ना ही ये इक्विटोरियल पॉइंट है, कैसा करेंगे, तो पहले यहाँ से सेंटर से ज्वाइन की हमने लाइन आर, ये डिस्टेंस है सपोज, और ये पोजिशन वेक्टर इस डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट के साथ ये पोजिशन वैक्टर एंगल बना रहा है थीटा, तो हमारा आंसर थीटा के ही फॉर्म में आना चाहिए, आर के ही फॉर्म में आना चाहिए ताकि हम थीटा अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से इस B पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस है सपोज R2, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में डिस्टेंस चाहिए होती है फ्रॉम द चार्ज, नेट पोटेंशियल फाइंड करना है हमें P पे पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये डिस्टेंस है सपोज R1, ठीक है, देखते हैं हम। सो नेट पोटेंशियल एट P पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो सिंपल वही फॉर्मूला अपना, VP इज इक्वल टू ड्यू टू माइनस क्यू एंड ड्यू टू प्लस क्यू। सो व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, इसकी वजह से यहाँ पे कितना, फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर वन, इसकी वजह से वहाँ पे कितना, के क्यू अपॉन आर टू, ठीक है। टेक के क्यू कॉमन आ सकता है, सो व्हाट इज लेफ्ट, इट इज वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। अब देखिए फॉर्मूला तो आ गया, बट आर टू आर वन की फॉर्म में, अब आर टू आर वन की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, हमें आर की फॉर्म में लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, देखो क्या करना है, कैसे रिप्लेस करना है R2 और R1 को, और R के फॉर्म में कैसे लेके आना है। ये PA ज़्यादा है PO के कंपैरिजन में, PA दिस लेंथ PA इज ग्रेटर देन PO, बट PA कितना ज़्यादा है, PA ज़्यादा तो है बट कितना ज़्यादा है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे आइए। तो सपोज आपके पास टू लाइन्स हैं, इनके बिटवीन एंगल काफ़ी स्मॉल है, अब मैंने पूछा आपसे बताइए कौन सी लाइन लार्ज है, तो आपने कहा सीधा सर ये वाली लार्ज है,
कितनी लार्ज है, आप स्केल लेके आपने मेजर किया, सर ये 2 सेंटीमीटर बड़ी है, 3 सेंटीमीटर बड़ी है, काम हो गया। क्या होगा अगर ये लाइंस 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक लंबी है, फिर आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते। अब मैं आपसे पूछूं ये लाइन इससे कितनी लंबी है, तो अब आप क्या करेंगे, अब इसके लिए एक टेक्निक अप्लाई करते हैं। टेक्निक क्या, देखिए यहां से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल है, ये एंगल काफी स्मॉल है, एज्यूम किया हमने दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर ये एंगल स्मॉल है, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये एंगल काफी स्मॉल है ये 90 डिग्री, तो लगभग ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों लाइंस भी, इनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएंगी, आइसोसेलस ट्राइंगल बनेगा। तो ये लाइन इससे कितनी लंबी हो गई, जितना पार्ट बाकी रह गया बस ये इतनी लंबी है। तो हमने फाइंड कर लिया कि ये लाइन इससे कितनी लार्ज है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री बना, दोनों इक्वल, इतनी लार्ज है। तो टेक्निक ये है, अब इस टेक्निक को यहाँ अप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ये टेक्निक, क्योंकि आर वन आर टू को रिप्लेस करना है और आर के फॉर्म में लेके आना है। तो पी ए जो कि आर वन है, हेयर आर वन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, ये इससे लंबी है। तो क्या थी टेक्निक, इसको आगे एक्सटेंड करो ऐसे, ये पी ए पी ओ से लंबी है, कितनी लंबी है, इसको आगे एक्सटेंड किया, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उस लाइन पे, ये तो पी ए पी ओ से, ये सपोज ये पॉइंट एन है, तो पी ए पी ओ से ओ एन ज़्यादा है, पी ए पी ओ से ओ एन ज़्यादा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये और ये इक्वल हो गए, पी ए और पी एन लगभग इक्वल हो गए। तो पी ए जो कि आर वन है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पी ओ पी ओ प्लस दिस वन ओ एन। नाउ व्हाट इज पी ओ, पी ओ इज आर, पी ओ आर है प्लस ओ एन, ओ एन कितना है, ये थीटा तो ये भी थीटा, इस ए को रिजॉल्व करिए, ये ए है इसको रिजॉल्व करिए, ये कितना मिल जाएगा, ये वाला कंपोनेंट ए थीटा है, ये कितना मिलेगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। सो आर वन ये वाली इससे आर से ए कॉस थीटा ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली आर टू कितना हो जाएगा, आर वन तो आ गया, अब आर टू को भी बनाना है, आर टू, अब देखिए आर ज़्यादा है या आर टू, तो ये पॉइंट से आर ज़्यादा है, ये इतना है, आर टू कम है, जितना दूर जाते रहोगे लाइन ज़्यादा होती रहेगी, लेंथ ज़्यादा होती रहेगी, तो आर इज ग्रेटर देन आर टू, बट आर कितना ज़्यादा है आर टू से, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, टेक्निक वही है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आर आर टू से इतना ज़्यादा है, या हम ये कहेंगे ये पॉइंट अगर एन डैस है तो पी बी इज इक्वल टू पी एन डैस, या आर टू, आर टू किसके इक्वल हो गई, टोटल डिस्टेंस आर, आर टू कितनी हो गई आर माइनस ये कितनी है आर माइनस ये वाली डिस्टेंस ओ एन डैस, ओ एन डैस कितनी है, फिर से ये ए है रिजॉल्व किया, ये कितना मिलेगा ए कॉस थीटा, ये ए था रिजॉल्व किया, ये वाला कितना मिला ए कॉस थीटा, तो आर टू इज इक्वल टू ये माइनस ये, ठीक है, आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ रख दो, आर वन आर टू आर की फॉर्म में मिल गए, सो वी पी नेट पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल टू के क्यू इज कॉमन वन अपॉन आर टू, वट इज आर टू आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस वन अपॉन वट इज आर वन आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। सो वी पी विल बी इक्वल टू के क्यू इज कॉमन, टेक एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले दो, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ लिख लो, आर प्लस ए कॉस थीटा एलसीएम लिया था, ये हो जाएगा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है, ये इधर चले गया, माइनस था माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा। सो वी पी इज इक्वल टू आर आर कैंसिल, तो के क्यू ए कॉस थीटा टू ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए टू ए क्यू आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, टू ए क्यू इज व्हाट, इट इज डाइपोल मोमेंट, सो वी पी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बना पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये है फॉर्मूला थीटा के टर्म्स में। अब यही फॉर्मूले से इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट पे फाइंड करते हैं पोटेंशियल, देखिए वही आएगा जो हमने पहले किया, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। फर्स्ट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर इक्वेटोरियल पॉइंट को देखें तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पे होगा और उसके लिए थीटा कितना होगा,
ये पी इक्वेटोरियल पॉइंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये लाइन को ऐसे लेके आ जाइए, पी पॉइंट यहाँ होगा तो ये ऐसे, तो थीटा कितना बन गया 90 डिग्री। सो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ रख लो पी इक्वेटोरियल, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, के पी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है जीरो, जीरो इंटू के पी जीरो अपॉन कुछ भी जीरो, जीरो आ गया, जो पहले देखा था वही आ गया। सेकंड, फॉर एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, एक्सियल पॉइंट कहाँ होगा पहले तो ये देखेंगे, ये पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट यहाँ होगा नीचे इस लाइन पे, तो ये आर ऐसे हो जाएगा, तो थीटा कितना हो गया जीरो, थीटा हो गया जीरो एक्सियल पॉइंट के लिए, थीटा जीरो हो गया यहाँ रख दो। सो वी एट एक्सियल ए एक्स कर लिया मैंने इसको, इट इज इक्वल टू के पी कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस जीरो, कॉस जीरो वन और कॉस स्क्वायर जीरो वो भी वन, स्क्वायर वन ही होगा, ये आ गया, ये भी देखा था हमने पहले, यस यही आएगा एक्सियल पॉइंट के लिए। फॉर सॉल्ट डायपोल, अगर डायपोल सॉल्ट होगा वो भी देख लेते हैं, इससे पहले भी देखा था जब अलग से किया था, सॉल्ट डायपोल के लिए ये आर पॉइंट काफ़ी लार्ज हो जाएगा एक्सियल के लिए, आर इज ग्रेटर देन ए, तो सॉल्ट डायपोल के लिए कितना आ गया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के पी, ये ए स्क्वायर और भी स्मॉल हो गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर, तो जैसे पहले देखा था यहां से भी वही आ गया, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल, क्या है टेक्निक, क्या है डायपोल लीजिए, पी पॉइंट पे फाइंड करना है, एंगल बनाइए थीटा, यहां से आर वन तो यहां से आर टू सपोज, तो नेट पोटेंशियल पी पे कितना हो गया, दोनों का सम कर दो, ये चार्ज माइनस है तो ये माइनस पहले आ गया, वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन, आर टू आर टू आर टू आर वन रखो, आर टू किसके इक्वल है, आर टू, आर टू है ये वाली डिस्टेंस है आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर वन इससे बड़ी है, कितनी बड़ी है, ए कॉस थीटा बड़ी है, आर प्लस ए कॉस थीटा, इस सबको रखा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेटोरियल के लिए 90 डिग्री, एक्सियल के लिए 0 डिग्री, और ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब लास्ट में समरी देख लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, वहीं इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, के पी अपॉन आर क्यूब, ध्यान में रखना है, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल टू के पी अपॉन आर क्यूब, डायपोल की वजह से था ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर अ सॉल्ट डायपोल, सॉल्ट डायपोल ध्यान रखना, सॉल्ट डायपोल है, डायपोल मोमेंट है इसका गिवन है, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं 5 × 10⁻¹⁸ कूलम मीटर, दिस इज डायपोल मोमेंट, फाइंड पोटेंशियल एट 1 मीटर अवे, डिस्टेंस इज 1 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर इन, तो वो पॉइंट पहले एक्सिस पे है, मीन्स एक्सियल पॉइंट पे, ये डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो वो पॉइंट है एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ आगे कहीं इधर आगे, ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पे फर्स्ट, एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला सॉल्ट डायपोल वाला, ये वाला देखो, एक्सियल पॉइंट पे ये है के पी, के इज व्हाट, के इज 9 × 10⁻¹, व्हाट इज पी, 5 × 10⁻¹⁸ अपॉन आर स्क्वायर वन स्क्वायर वन, सो इट विल बी इक्वल टू 45 × 10 मीन्स 450 वोल्ट हो गया एक्सियल पॉइंट पे, 450 वोल्ट। सेकेंड, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है वो पॉइंट, इक्वेटोरियल पे, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, सिंपल, इसमें तो जीरो होता है। थर्ड, पॉइंट ऑन अ लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री विद द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के साथ यहाँ पे लिख लेते हैं 60 डिग्री विद डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट के साथ 60 डिग्री मींस एट एनी पॉइंट, सॉल्ट डायपोल है, एट एनी पॉइंट फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बट द डायपोल इज सॉल्ट वन, तो सॉल्ट डायपोल के लिए ए स्क्वायर कैन बी इलेक्टेड एज कम्पेयर टू आर। ओके, तो यहाँ पुट करिए वैल्यू 9 × 10⁻¹ पी, वट इज पी, पी 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 इज 5 × 10⁻¹⁸ कॉस 60, एंगल इज 60, कॉस 60 इज 1/2, कॉस 60 इज 1/2, ओके, आर स्क्वायर आर इज 1, 1 इज 1, इसको ओपन करिए, 45, 450 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 225 वोल्ट, तो ये आया एट एन एंगल 60 डिग्री 225 वोल्ट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0, एक्सियल पॉइंट पे 450 वोल्ट। इसकी प्रैक्टिस करिए और इसके नोट्स बनाते रहिए, बाकी देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।